हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक सपनों का देश इंग्लैंड। दोस्तों, आपने इंग्लैंड का नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लैंड का पूरा नाम क्या है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली इंग्लैंड का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि इंग्लैंड एक देश का नाम है, लेकिन इंग्लैंड एक देश का नाम नहीं है। दोस्तों, दरअसल इंग्लैंड तो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, जो कि चार अलग अलग प्रदेशों को मिलकर बना है, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स को मिलकर बना है। यही नहीं दोस्तों, इंग्लैंड का फ्लैग भी यूके से काफी अलग है और यह केवल इंग्लैंड को ही दर्शाता है, जबकि यूके का फ्लैग पूरी यूके यानी चारों प्रदेशों को एक साथ दर्शाता है। तो अब आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंग्लैंड और यूके में क्या अंतर है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इंग्लैंड के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट। दोस्तों, इंग्लैंड का क्षेत्रफल 130,395 वर्ग किलोमीटर है। आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड हमारे देश के एक राज्य तमिलनाडु के बराबर है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इंग्लैंड की आबादी 5,60,00,000 है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ की राजधानी लंदन में ही रहती है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में पाउंड स्टर्लिंग चलता है, जो कि हमारे रुपए से 98 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी कि 1 पाउंड बराबर 98 भारतीय रुपए। दोस्तों, इस देश के लोग भी हमारे देश के तरह ही बाई ओर गाड़ी चलाते हैं और इस देश का कॉलिंग कोड +44 है। दुनिया का सबसे ऊंचा टेरिस्ट व्हील। दोस्तों, वैसे तो लंदन घुमक्कड़ों के शौकीन के लिए किसी सपनों के शहर से कम नहीं है। यहाँ अनेकों आकर्षक प्लेस मौजूद है। इनमें से एक है लंदन आई, जो कि 440 फीट ऊंची यानी कि 135 मीटर ऊंचाई वाली लंदन आई, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा टेरिस्ट व्हील है। और इस व्हील को एक चक्कर लगाने में तकरीबन 30 मिनट का समय लगता है। यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है, जिसमें चढ़कर पर्यटक पूरे शहर की खूबसूरती को देख सकता है। विश्व का सबसे छोटा हवाई यात्रा। दोस्तों, प्लेन में सफर करना हम सबको अच्छा लगता है और हम लोगों की प्लेन की यात्रा कम से कम 2 से 3 घंटे की तो होती ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लैंड में एक ऐसा प्लेन का सफर है जिसका हवाई यात्रा केवल 90 सेकंड का होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे, केवल 90 सेकंड का हवाई यात्रा, ऐसा कैसा हो सकता है? तो मैं आपको बताता चलूं, स्कॉटलैंड में स्थित वेस्टरिया और पापा वेस्टरिया आइलैंड के बीच यह फ्लाइट चलती है, जो कि एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़ा जाता है। इसमें ज्यादातर लोग फ्लाइट से ही आना जाना करते हैं, जिसमें केवल 90 सेकंड का ही समय लगता है। दुनिया की सबसे महंगी इमारत। दोस्तों, जैसे हमारे भारत देश में सबसे महंगा एवं आलिशान निजी इमारत मुंबई में स्थित मुकेश अंबानी के घर अंतिलिया को माना जाता है, जिसका मूल्य तकरीबन $2 बिलियन है। ठीक उसी प्रकार विश्व की सबसे महंगी इमारत बकिंगम पैलेस को दुनिया का सबसे महंगा इमारत माना जाता है, जिसका कीमत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया है और इस घर का मालिक लंदन का राज्य वंशज है। दुनिया का पहला मेट्रो ट्रेन। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में ट्रैफिक से बचने का उपाय मेट्रो ट्रेन यानी कि भूमिगत रेलवे को माना जाता है, इसमें लोग भीड़ भाड़ से बचकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रेन द लंदन अंडरग्राउंड सन 1890 में लंदन में ही चलाई गई थी। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की जन्मस्थली। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंग्लैंड का काफी योगदान रहा है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत का खोज की, माइकल फैराडे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय, चार्ल्स डार्विन तथा रॉबर्ट हुक जैसे महान साइंटिस्ट का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। दोस्तों, साथ ही दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण आविष्कार इंग्लैंड की धरती में ही हुआ था, जैसे कि रेलवे, कंप्यूटर, जेट इंजन, वर्ल्ड वाइड यानी कि WWW, इनका जनक भी इंग्लैंड को ही माना जाता है। का पहला मेट्रो ट्रेन। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में ट्रैफिक से बचने का उपाय मेट्रो ट्रेन यानी कि भूमिगत रेलवे को माना जाता है, इसमें लोग भीड़ भाड़ से बचकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रेन द लंदन अंडरग्राउंड सन 1890 में लंदन में ही चलाई गई थी। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की जन्मस्थली। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंग्लैंड का काफी योगदान रहा है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत का खोज की, माइकल फैराडे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय, चार्ल्स डार्विन तथा रॉबर्ट हुक जैसे महान साइंटिस्ट का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। दोस्तों, साथ ही दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण आविष्कार इंग्लैंड की धरती में ही हुआ था, जैसे कि रेलवे, कंप्यूटर, जेट इंजन, वर्ल्ड वाइड यानी कि WWW, इनका जनक भी इंग्लैंड को ही माना जाता है। राजा महाराजाओं का प्रथा। दोस्तों, जैसे हमारे भारत में पुरातत्व काल में राजा महाराजाओं का दबदबा चलता था, ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड में आज भी राज्यशाही का दबदबा चलता है।
वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी 94 वर्षीय एलिजाबेथ है। यहाँ की महारानी एलिजाबेथ 26 साल के उम्र में ही ब्रिटेन की महारानी बन गई थी, जो कि पिछले 68 साल से ब्रिटेन की महारानी बनी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केवल इंग्लैंड की महारानी ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी महारानी है। इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यूके को 4 प्रांतों में बांटा गया है, तो अब मैं आपको एक एक करके चारों प्रांतों की खूबसूरत पर्यटक स्थल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन की बात करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई घूमने जाना चाहता है। यहाँ के आलिशान इमारत से लेकर मॉडर्न कल्चर तक लंदन की हर वो चीज टूरिस्ट को बेहद ही आकर्षित करती है। इस शहर में एक या दो नहीं बल्कि 160 से भी ज्यादा आकर्षक म्यूजियम मौजूद है, जहाँ जाकर आप इस शहर के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, साथ ही लंदन को दुनिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन भी माना जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इस शहर को शॉपिंग के लिए जन्नत माना जाता है। साथ ही इस शहर में मनोरंजन के लिए हर वो साधन मौजूद है जो कि हर टूरिस्टों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर आप कई फेमस आर्किटेक्चर को भी देख सकते हैं, जैसे कि बिग बैन क्लॉक टावर, थेम्स नदी, लंदन आई, ब्रिटिश मॉनार्क साइट, टावर ऑफ लंदन और भी बहुत सारे आकर्षक प्लेस मौजूद हैं जो किसी को भी मनमोहित कर देता है। अब बात करते हैं उत्तरी इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों, वैसे तो उत्तरी इंग्लैंड सन 1999 तक औद्योगिक केंद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना रहा, लेकिन आज के समय में यह शहर खूबसूरत पार्टी, नाइट लाइफ एवं डिस्को के बारे में जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का मिश्रित कल्चर, अति मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरत झीलों में बसा अति मनमोहक विरासत महल जो किसी को भी मन को मोहित कर देता है, और भी कई सारे ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद है जो किसी को भी लुभाने के लिए काफी है। अब रही दक्षिणी पश्चिम इंग्लैंड। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड को छुट्टी बिताने के लिए प्रमुख हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है। इनमें दो प्रमुख शहर ब्रिस्टल और बाथ है। दोस्तों, इंग्लैंड के ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने के लिए इसी शहर में जाते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं हरे घास के मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि यहां की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। यहां के पहाड़ों में कई खूबसूरत रिजॉर्ट भी हैं जो पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। अब बात करते हैं मध्य इंग्लैंड यानी कि मिड इंग्लैंड की। दोस्तों, मध्य इंग्लैंड सदियों से टूरिस्ट के बीच आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी यहीं पर है। इस इलाके में कई ऐतिहासिक इमारतें एवं म्यूजियम हैं।